आप ये बताइए, कच्चा बादाम जब वायरल हुआ था तो आप व्यू पाने के चक्कर में इनको मोबाइल गिफ्ट किए थे कि नहीं किए थे? नमस्कार दोस्तों, अब कुछ यूट्यूबर व्यू पाने के चक्कर में लोगों से पूछते हैं कि ये वाले कच्चा बादाम वाले काकू रानू मंडल जी और सहदेव जी, ये लोग अचानक सोशल मीडिया से कहाँ गए? दोस्तों हम आपको बताते हैं, जब कच्चा बादाम वाले काकू वायरल हुए थे ना, तो इतना वायरल हुए थे, इतना वायरल हुए थे कि यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार टिकटॉकर के उनके बादाम में कच्चा बादाम गाना गाकर वायरल हुई थी। हम आपको बता देते हैं, एक टेक्निकल यूट्यूबर है जिनका नाम है मनोज देव। मनोज देव ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो बहुत तेजी से उड़ता है वो धड़ाम से गिरता है। लेकिन हम आपको बता दें मनोज भैया, जो बहुत तेजी से उड़ता भी है वो धड़ाम से पक्का गिरता है, क्योंकि आपने कहा है कि इन लोगों में टैलेंट तो होता नहीं है। देखिए, आपने सही बोला है, इनको कोई इन्फ्लुएंसर वायरल करता है। लेकिन आप ये बताइए, कच्चा बादाम जब वायरल हुआ था तो आप व्यू पाने के चक्कर में इनको मोबाइल गिफ्ट किए थे कि नहीं किए थे? क्योंकि आप उस समय भी ये जानते थे कि कच्चा बादाम वाले काकू बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं रानू मंडल जी की। तेरी ही मेरी ही, तेरी मेरी ही कहानी। हिमेश रेशमिया जी को जैसे पता चला कि तेरी मेरी रानू मंडल वायरल हुई है, इनको इंडियन आइडल में बुलाकर वो अच्छा सा अच्छा नेम फ्रेम बनाने के चक्कर में एल्बम बनाए और उससे ज्यादा लाखों रुपए कमाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सहदेव। वाह, सहदेव एक लड़का था, जैसा मेरा प्यार है तूने जैसा किया रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भैया इसको भी वायरल कर दो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। सहदेव नाम का लड़का जो कि कक्षा में गाना गाया था, बहुत तेज वायरल हुआ था। इतना तेज वायरल हुआ था कि दुनिया इसको कॉपी रील्स बनाने लगी थी। लेकिन हम आपको बता दें, ये जब लड़का वायरल हुआ तो बादशाह ने दिमाग लगाया, इसको भी एल्बम के गाने बनाए। हालांकि अब इनका कुछ पता रहता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, ये जमीन में ही रहते हैं और दुनिया में ही रहते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, अब बात करते हैं कुछ यूट्यूबर इनको एक्सपोज करके व्यू पाने की चक्कर में बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, जो ऊपर उड़ता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अब आप मुझे ही कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं। मनोज भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेहनत करते रहिए, टैलेंट करते रहिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाएगी। हमारा आपको एक्सपोज करना नहीं है, हम आपको बस बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छी जानकारी दी है। टैलेंट के पीछे काम करिए, टैलेंट के पीछे आगे बढ़ते रहिए, आपका एक दिन भी यूट्यूबर खड़ा होगा। लेकिन भैया, हम मनोज देव भैया से पूछते हैं, जब कच्चा बादाम वाले काकू वायरल हुए थे आप भी तो गए थे मोबाइल देने। देखिए, ये दुनिया है, मतलब की दुनिया है, जब कोई वायरल होता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, जिस तरह कच्चा बादाम के पीछे लोग भाग रहे थे, इसके बाद रानू मंडल के पीछे लोग भाग रहे थे, सहदेव के पीछे लोग भाग रहे थे, उसी प्रकार अब जो वायरल होगा उसके पीछे लोग भागेंगे। क्योंकि ये दुनिया है, मतलब की दुनिया है, व्यू पाने के चक्कर में लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरा नाम उत्तम केवट, जय हिंद जय भारत।